जय गुरु। आज का आलोचना का टॉपिक है कैसे आपकी आंतरिक इच्छा की पूर्ति होगी। श्री श्री ठाकुर जी ने श्री सतीश चंद्र जोरदार दा को बताए थे। चलिए आलोचना शुरू करते हैं। एक बार कुष्टिया में श्री श्री ठाकुर को निजन पाकर श्री सतीश चंद्र जोरदार दा ने पूछा, ठाकुर कोई कोई आपको महापुरुष कहता है, कोई पूर्ण अवतार कहता है, किंतु मैं उस विषय में अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, विश्वास भी नहीं कर पाता हूँ, पर इतना समझ पाता हूँ कि आप हमारे अंतर की सारी बातें एवं जीवन की सारी गुप्त घटनाओं से अवगत है। अनेक साधु संन्यासी एवं गुरुओं के साथ घुमा फिरा हूँ तथा गुरुदेवों से दीक्षा ग्रहण करके यथासाध्य साधन भजन करके भी विशेष कोई फल नहीं पाया हूँ। यदि सहज में मेरा अंधकार दूर होने का उपाय बता देते तो अच्छा होता, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। श्री श्री ठाकुर ने अपने स्वभाव सुलभ साहस्य वतन से प्रेममय मधुमिश्रित स्वर में कहा, भाई पहले भी कह चुका हूँ कि मैं महापुरुष नहीं हूँ, अवतार भी नहीं हूँ, किंतु आप जो चाहते हैं वो सब कुछ होगा। भय नहीं है, अब और दुर्मूल्य कटु तिक्त कसैली दवा सेवन से रोग दूर करने का समय नहीं रहा। इस युग में साधन भजन के लिए कठिन कठोरता नहीं करनी होगी। सहज में अतिशीघ्र संसार के समस्त कार्यों रहकर भी, यहाँ तक कि शौचालय में बैठकर साधन भजन चल सकेगा। गाड़ी साइकिल घोड़े पर सवार होकर ऑफिस में चेयर पर बैठकर खाते पीते चलते फिरते आचार नियम की अजथा कठोरता में आबद्ध न होकर साधन भजन कर सकेंगे। इससे आपकी आंतरिक इच्छा की पूर्ति होगी। जय गुरु।